सो ए व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे एक और व्लॉग में। तो अभी मैं यहाँ पे एक और नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे था तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है व्यू, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो चलो आप मेरे साथ जुड़ जाओ और इस व्लॉग को अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ, आगे लेकर चलते हैं इस व्लॉग को। और ये खड़ी है अपनी यहाँ पे कार बलेनो, और आई होप कि अच्छा हो। चलो अभी चलते हैं। अभी सो ऑलराइट गाइस, हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं यहाँ बाहर था अभी, तो अभी यहाँ से मैं निकलने लगा हूँ, पीछे से कोई आ नहीं रहा। लेट्स गो, कार अपनी स्टार्ट है। तो ऐसे अभी एक चीज़ देखी जाए ना, मतलब चलो अभी शायद हो सकता है कि हमारी नई कार है इसकी वजह से पता नहीं लगता, मतलब अगर इंजन भी स्टार्ट हो रहा हो ना, मतलब इंजन अगर स्टार्ट हो तो कैबिन में इतनी साउंड नहीं आती। तो यहाँ पर अभी हम मोड़ लेंगे, कुछ हाथ उड़ा नहीं तो सीधा 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 नहीं कटेगा, सीधा नहीं कटेगा बाबा। वो देखो बाइक वाले को वहां से। तो अभी हम यहाँ से मुड़ चुके हैं। सो ओके गाइस, अब हम वहां से आए थे उस वाले रास्ते से, अगर आपको दिख रहा हो वहीं से मैं वापस जाऊंगा बस लेन चेंज करके। तो ये काफी रोड चलना चालू हो गया, तो कार काफी ज्यादा फास्ट आ रही है। उसने मेरे को डिपर भी मार दिया, कह रहा है अरे लौंडे मत जा रहे तू। मैं ठीक है यार, तो यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, निकाल लो भाई। तो हमारी टर्न है, हमने निकाल ली है। सो या तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। एंड अभी की वीडियो में अभी हम क्या कर सकते हैं। सो हाँ गाइस, मैं यार आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे को मेरे ब्लॉग चैनल के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको ब्लॉग चैनल का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। एंड इतना ही नहीं, आपको जो है ब्लॉग चैनल जो है वो एग्जैक्ट दिख जाएगा मेरे होम पेज पर, इसी चैनल के होम पेज के ऊपर जाना तो आपको वहाँ पर ब्लॉग चैनल दिख जाएगा। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको पता होगा कि वहाँ पर मेरे को रोका गया था। देखते हैं कि आज रोकती है पुलिस की, नहीं रोकती। पिछली बार तो मेरा कैमरा ऑन नहीं था इसलिए वो मतलब बच गए मुझसे, पर इस बार देखते हैं। अगर इस बार रोकेंगे तो इस बार तो कैप्चर कर ही लेंगे, क्यों इस बार तो कैप्चर कर ही लेंगे। पर मेरे को लग रहा है कि रोक रहे हैं क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक है सामने की ओर, आप देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये ट्रक की वजह से है। सो आई होप आपको एक वाइब आ रही हो, मतलब जैसे मतलब कार ड्राइविंग की एक वाइब होती है ना, वो वाइब आ रही हो। तो काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है, पीछे से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं, बट ये यार ठीक है, हम इसके पीछे लग जाते हैं। तो और हाँ गाइज यार, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, एक तो पहली चीज़ कि आपको वीडियोस किस तरह से लग रही हैं, दूसरी चीज़ मेरे को ये बताना कि आपको जो है वीडियोस किस तरह से चाहिए, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहीं पर एक पुलिस का नाका होता है, देखते हैं क्या होता है आज, आज क्या होता है। मेरे को तो ये ट्रक उसकी वजह से लग रहा है, ट्रक की वजह से, क्योंकि ट्रक था ना। तो यहाँ पे इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी है, तो बैरिकेडिंग से निकलने के लिए अब जैसे वहाँ पे सामने की ओर ये रहे पुलिस वाले। अरे भाई साहब आज भी खड़े हैं, पहले तो उन्होंने वो रोक रहे हैं आज भी रोक रहे हैं। तो वो देखो रोक रहे, तो चलो कोई नहीं, आज उन्होंने रोका नहीं, पहले इन्होंने रोक लिया था। तो अब हम सीधे हाईवे की ओर से निकल जाएंगे सीधे। सो ऑलराइट गाइस, जैसे आप देख सकते हो कि हम ट्रैफिक से निकल चुके हैं, वो पीछे ही है, अभी मैं हाईवे के ऊपर चढ़ रहा हूँ। वो काइट है, काइट उड़ा रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, रोड पे काइट उड़ा रहे हैं। तो अभी हम मैं ज़रा स्पीड पकड़ता हूँ भाई, क्योंकि अब ना अंधेरा हो रहा है, टाइम हो गया 5:34 बोले तो, नहीं 5:34 PM हो रहे हैं। एंड मेरी थोड़ी पंजाबी में जो हम वो बोलते हैं नंबर्स बोलते हैं, वो थोड़ी वीक है मेरी, है ना, क्योंकि मैं ICSE मीडियम से हूँ ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़े मीडियम से हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरे नंबर वीक है वहाँ पे ना, कभी पंजाबी में पढ़ी ही नहीं है मैंने अकाउंटिंग, तो बस जो घर वालों से सीखी है बस वही है, मेरे नंबर्स वीक हैं पंजाबी में। तो बस अभी हम हाईवे से होते हुए निकल जाऊँगा मैं, और ये अपना हाईवे है पठानकोट का, और उसके बाद में मैं आगे जाके अंदर को घुस जाऊँगा। कहाँ पे घुस जाऊँगा, अपने डिफेंस कॉलोनी में, क्योंकि अपना घर डिफेंस कॉलोनी में ना। तो बस अभी आप देख सकते हो यहाँ सामने की ओर बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे लिखा होगा कि जम्मू 103, उधमपुर 174, अमृतसर है 104 किलोमीटर। तो यार धुंध भी काफ़ी पड़ गई आज, मज़ा मतलब मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ देख रहा था, सोच रहा था
कि लोहड़ी निकल गई, सब निकल गया, धुंध पड़ी नहीं। मतलब इस बार धुंध जो पड़ी है ना वो लेट पड़ी है, इतनी जल्दी नहीं पड़ी इस बार धुंध। तो सामने वाले जो भैया हैं वो मुड़ना चाह रहे हैं स्विफ्ट, और पीछे से कुछ आ नहीं रहा है, हम अपनी लेन देन कर लेते हैं। पर यार ये बाइक की वजह से ना मुश्किल हो गया काम, बिकॉज ऑफ दिस बाइक। तो कोई बात नहीं, अभी हम सीधे सीधे चलते हैं।